इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरटीपी कांस्टेबल टेलीकॉम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों यह कट ऑफ जो मैंने तैयार की है आप लोगों के कमेंट के आधार पर तैयार की है। दोस्तों कट ऑफ दिखाने से पहले आप लोगों को कुछ मैं ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपको शायद किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसकी कट ऑफ मैं आपको बिल्कुल सटीक बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो पिछला पेपर हुआ था टेलीकॉम का 2015 में, उसकी कट ऑफ जो 72 गई थी जनरल की, उसका रीज़न भी बताऊंगा क्या रीज़न था। और जो हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी को, उसका दोस्तों जो है फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, टाइपिंग के जो मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड भी आ गया है, उसकी कट ऑफ दोस्तों क्या गई थी, स्टेट वाइज कैसा गई थी, फीमेल की कितनी गई थी, सभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों कट ऑफ दिखाने से पहले आपको बता दूँ कि इसमें जो है आप देख सकते हैं कुछ लोगों का मैंने कमेंट लिए हैं, जो हेड कांस्टेबल में वीडियो जो रिजल्ट आया था उन्होंने कमेंट किए थे अपने अपने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 73 नंबर थे इनके ओबी से, ये नॉट क्वालिफाई थे दोस्तों, आप देख सकते हैं 73 नंबर पर, और 80 आए थे दोस्तों, यह भी ओबी से हैं, ओबीसी से ही हैं 80, देखो आप देख सकते हैं कि ये भी नॉट क्वालिफाई। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 84 थी शायद दोस्तों, ये ओबीसी 85 पर क्वालिफाई हैं हरपाल सिंह, आप देख सकते हैं कमेंट पर। मैं आप लोगों को बहुत सारे कमेंट दिखाऊंगा फीमेल की मेरिट भी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल की कम गई थी, रीज़न पता नहीं क्या रीज़न था लेकिन जनरल की कम गई थी और ओबीसी की मेरिट हाई गई थी। आप देख सकते हैं कि जनरल का कमेंट है ये 70 पर जनरल का हो गया है, ओबीसी की मेरिट शायद ज़्यादा गई है इनका, देख सकते हैं दोस्तों 81 था और ओबीसी में इनका नहीं हुआ है और इनका 71 पर जनरल में हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 73 पर ओबीसी में नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों मैंने काफ़ी सारे कमेंट लिए हैं ताकि आप लोगों को गलत ना लगे, ये 73 जनरल पर देखो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिफाई है ये पटियाल पाटिल जी, आप देख सकते हैं 73 पर हो गया इनका, और इनका जो है 70 जनरल पर हो गया, ओबीसी में इनका नहीं हुआ, 81 पर नहीं हुआ, देख सकते हैं दोस्तों आप दिनेश कुमार का, आप देख सकते हैं दोस्तों ओबीसी में 76 पर भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ओबीसी का जो कट ऑफ था वो जनरल से ज़्यादा गया था, उसका रीज़न दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चलिए कुछ जितने मेरे समझ में आया है, 76 पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल का आ गया है, और मैं 46 पर दोस्तों आ गया है, आपके लिए गुड न्यूज़ यह होगी जनरल पर 46 का आया है, वो आपको बताऊंगा क्या किस तरह से आया है। 74 पर दोस्तों आ गया, इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल पर इनका 74 पर आ गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अंजू, फीमेल कैटेगरी है दोस्तों, देख सकते हैं कि जनरल से फीमेल हैं ये, 48 पर इनका आ गया है। मैंने इनसे कैटेगरी पूछा था, इनकी कैटेगरी से दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने कमेंट किया है जनरल से हैं ये, और इनका स्टेट जो था दोस्तों हरियाणा था। दोस्तों इस न्यूज़ को याद रखें, मैं जो आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दोस्तों आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि 48 इनके नंबर आए थे और ये जनरल कैटेगरी से हैं, स्टेट है इनका हरियाणा, आप देख सकते हैं, इसलिए यदि आपका 48 नंबर सा दिखें या इतने भी हैं तो आप टेंशन ना लें, आपका नंबर इसमें आ सकता है। और इस तरह से दोस्तों आप मैंने काफ़ी सारे कमेंट लिए हैं जिसमें कि ओबीसी की मेरिट हाई गई है और जनरल की कम गई है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कट ऑफ, कट ऑफ से पहले आपको दोस्तों कुछ जानकारी दे दूँ कि इसमें जो दोस्तों आपकी कट ऑफ गई थी वो जनरल की हाई लो गई थी और ओबीसी की हाई गई थी, उसका रीज़न दोस्तों पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन स्टेट वाइज भी दोस्तों कट ऑफ बनी थी। स्टेट में आप देख सकते हैं कि फीमेल का 48 पर आ गया है, यदि दोस्तों आपका 48 भी नंबर है आप टेंशन न लें, क्योंकि किस स्टेट का कितना कट ऑफ जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए टेंशन न लें, आपका कट ऑफ जो है स्टेट वाइज भी बनेगा, और जो दोस्तों नॉर्मल कट ऑफ बनेगा ऑल इंडिया के हिसाब से मैं वो कट ऑफ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और सभी चैनलों पर दोस्तों वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जो कमेंट के आधार पर आपने जो सोचा वो सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगा वो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों उस कट ऑफ को देखकर आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो इसमें कट ऑफ बनने वाला है वो आपका जो है स्टेट वाइज भी बनता है, और शायद स्टेट वाइज का कट ऑफ कम जाए उसका दोस्तों कुछ नहीं पता, इसका रिजल्ट भी दोस्तों इस मंथ में आ जाएगा, एक महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए दोस्तों आप टेंशन ना लें। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो जनरल का कट ऑफ बनेगा 85 प्लस बनेगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि दोस्तों इसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो इतनी सारी वैकेंसी थी आरआरवी की, एसएससी जीडी की, बहुत सारी वैकेंसी थी और जो कैंडिडेट थे वो तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए दोस्तों जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और हेड कांस्टेबल में दोस्तों कट ऑफ कम गया था, क्योंकि उसमें जो 2017 में फॉर्म फिल हुआ था उसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो थे अपसेंट थे, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में
अप्लाई हुए थे हाल ही में, इसका जो है एग्ज़ाम हो गया, इसलिए इसमें जो थे उसके मुकाबले दोस्तों जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा थे। इसलिए दोस्तों तैयारी भी लड़कों की अच्छी थी, इसलिए दोस्तों इसका जो कट ऑफ है ज़्यादा जाएगा, 85+ इसका कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का दोस्तों कम गया था, ओबीसी का इसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑल इंडिया के हिसाब से दोस्तों यदि आपके 80 हैं तो आप टेंशन ना लें, आपका 80 पे तो हो ही जाएगा, 80+ हो सकते हैं, एससी के 75 और एसटी के लिए 70। और बात करते हैं दोस्तों स्टेट वाइज, दोस्तों जो हरियाणा की कट ऑफ थी वो 48 जनरल पर हो गया था। आपका यदि किसी भी स्टेट से हैं दोस्तों स्टेट वाइज दोस्तों आपके कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें जो है इन्होंने वैकेंसी नहीं बताई थी किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है, वो उन्होंने खुद सेट किया था। इसलिए दोस्तों आप निराश ना हो यदि आपके नंबर कम हैं, आपको मैंने कमेंट भी दिखाया था 48 पर दोस्तों हो गया है। इसलिए यदि आपके इतने भी नंबर हैं तो आप टेंशन ना लें, अपनी तैयारी अच्छे से कर कर चलें मेडिकल के लिए। और दोस्तों अब भी आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट के जवाब का मिल जाएगा। दोस्तों यह जो कट ऑफ है आपको किसी भी चैनल पर देखने को मिल रही है, यह है जो कट ऑफ है दोस्तों ऑल इंडिया के हिसाब से है। जो है इतने नंबर है 85+ 80+ 75 70, इससे जो है अधिक दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगा। ये दोस्तों जो कट ऑफ बताई जा रही है आप लोगों को, ये है जो है ऑल इंडिया बताई जा रही है, जो इसमें जो कट ऑफ बनती है दोस्तों स्टेट वाइज बनती है, और किसी स्टेट की कितनी बन जाएगी यह किसी को नहीं पता। लेकिन जो कट ऑफ बनी थी दोस्तों ऑल इंडिया ही बता देता हूँ मैं, जो कट ऑफ बताई थी उन्होंने जनरल की बताई थी दोस्तों 70 70 कट ऑफ बनी थी जनरल की, ओबीसी की बनी थी दोस्तों 84 हेड कॉन्स्टेबल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। दोस्तों मुझे पूरी तरीके से जानकारी है क्योंकि मैं उसका एग्ज़ाम मैंने भी खुद दिया था उसकी, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से जानकारी है। यदि दोस्तों अब भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, इसकी स्टेट वाइज दोस्तों कट ऑफ लगेगी, आप टेंशन न लें। इतने दोस्तों आपके नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं, और दोस्तों आपके यदि नंबर कम है तो आप निराश ना हो, आपकी कट ऑफ में नंबर आ सकता है क्योंकि स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ लगती है। 48 गई थी दोस्तों हरियाणा की। और अब भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।